तो हाय गाइस, आज हम करेंगे अल्टो में अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट करने से पहले गाड़ी को लगा लेंगे प्लेटों पर। प्लेटों को लगा के इन लोगों को हटा के फिर सेंसर को लगा लेंगे टायर पे। सेंसर को सही तरीके से रिंग पे लगाएंगे। पहले दोनों नुकों को रिंग पे बिठा के फिर लोगों को धीरे धीरे नीचे करके फिर सही तरीके से अपन बिठा लेंगे। फिर अलाइनमेंट स्टार्ट करेंगे यूपीएस सीपीयू स्टार्ट करके। ये अपना हो गया अलाइनमेंट स्टार्ट। स्टार्ट होने में एक दो मिनट लगेगा, जितनी देर में अपन दूसरा सेंसर लगा के दूसरे टायर पे लगाएंगे। तो ये अपना हो गया स्टार्ट और ये सेंसर भी लग रहा है। तो इसको भी लॉक अच्छी तरह से लगा के अच्छे से फिट कर देंगे कि स्टीयरिंग मोड़ने पर पड़े नहीं। तो अपन ये पहले ले लिया, अपन ने मारुति सुजुकी कार लेनी है। ये हो गई अपने ये मारुति सुजुकी इंडिया। इसके अंदर जाके फिर अपन लेंगे अल्टो। अल्टो के अंदर जाके F9 डबल बार करेंगे, फिर F4 करके फिर F9 वापस कर देंगे। तो ये अपना आ गया स्टीयरिंग का प्रोसेस चालू। तो अपन ये अब मिलाएंगे स्टीयरिंग। तो स्टीयरिंग ये देख सकते हो आप, स्टीयरिंग मिल रही है, ये बीच में आ गया। फिर लेफ्ट साइड में काटना, तो लेफ्ट साइड में बता रहा है चिन्ह, ये लेफ्ट साइड में भी मिल चुका है। अब राइट साइड में मिलेगा और ये राइट साइड में भी हो चुका है। अब सेंटर करना पड़ेगा इसको। ये हो गया सेंटर, तो सेंटर में मिल गया है। तो अब हम करेंगे F6 F9 करके फिर आगे सेंसर आउट हो तो सेंसर को मिला के फिर टायर रोड एंड मिलेंगे हम। फिर टायर रोड एंड पर डबल क्लिक करके गाड़ी के नीचे जाएंगे। अब बाल जॉइंट को यूज़ करेंगे। तो अब हम रिंच पन्ना लेके बाल जॉइंट को यूज़ कर लेंगे। ये इस बोल्ट को यूज़ कर लिया, फिर दूसरी तरफ भी पाइप रिंच लगा के उसको भी यूज़ कर लेंगे। फिर 17 का पन्ना लगा के चूड़ी को थोड़ी दूर कर लेंगे। फिर टायर रोड एंड में 14 का पन्ना लगा के उसको सेटिंग करेंगे व्हील अलाइनमेंट की। टायर रोड एंड को कौन सी भी एक साइड में घुमा के देखेंगे कौन सी साइड में प्लस जा रहा है या माइनस जा रहा है। तो ये सही जा रहा है उसको। तो राइट साइड के अंदर 0.5 - 0.5 के बीच में, यानी कि 0 पे रखना है हमें। तो ये प्लस में है तो ये माइनस में ले रहे हैं हम। हमें 0 पे करना है तो हमारा होगा अलाइनमेंट कंप्लीट। तो हमारा ये हो गया राइट साइड में 0, तो ये हो गया लेफ्ट साइड में भी 0, तो लेफ्ट राइट दोनों कंप्लीट हो गए। तो हम स्टीयरिंग की बाल जॉइंट और एंड को लॉक कर देंगे डेब्री को टाइट करके। तो ये हमारा हो गया है एक साइड में टाइट और दूसरी साइड भी इसी तरह से हम टाइट कर लेंगे। तो ये हो गया है हमारा अलाइनमेंट कंप्लीट। तो हम अलाइनमेंट मशीन को अब बंद कर लेंगे। तो हमारी अलाइनमेंट बंद हो रही है मशीन, जितनी देर में हम सेंसरों को बंद करके सेंसर को सही तरीके से हटा के अलाइनमेंट मशीन में लगा लेंगे। एक सेंसर को लगाने के बाद दूसरे सेंसर को भी बंद करके सही तरीके से निकाल के फिर अलाइनमेंट मशीन में लगा लेंगे। तो इसी तरह से हमारा अलाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल दाता गेज से।